हेलो दोस्तों, गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर वन ऑफ टीओसी, दैट इज थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। लेक्चर वन ऑफ टीओसी में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम यहां पे बात कर रहे हैं कंप्यूटेशन इन थ्योरेटिकल वे। लेकिन कंप्यूटर साइंस जो है वो टोटली डील करता है प्रैक्टिकल से। जब भी हम एप्लीकेशन की बात करने, चाहे आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन की बात करो, आईओएस एप्लीकेशन की बात करो, हमेशा बात करते हैं, इवन स्टूडेंट्स भी कहते हैं कि सर हमेशा हम बात करते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकल की, कि ठीक है हमने सी में प्रोग्राम लिखना है, जावा में प्रोग्राम लिखना है, पाइथन में लिखना है, तो ये थ्योरी का यहाँ पे क्या पर्पज है। तो देखो, थ्योरी का पर्पज क्या है, हरेक इंप्लीमेंटेशन के पीछे जो है वो थ्योरी होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं थ्योरी की, क्योंकि थ्योरी आपको कंप्लीट करती है, थ्योरी आपको बताती है कॉन्सेप्ट, थ्योरी आपको बताती है प्रिंसिपल ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। मतलब इस चीज के पीछे कोई भी इंप्लीमेंटेशन हुई है, देखो आज के टाइम पे अगर हम बात करें इंप्लीमेंटेशन, जैसे एटम बम है, ऑलरेडी इसकी इंप्लीमेंटेशन हो चुकी है, इतने सारे एटम बम न्यूक्लियर बम्स ऑलरेडी बन चुके हैं। लेकिन देखो, क्या डायरेक्ट न्यूक्लियर बम बने? नहीं, इसके पीछे पहले थ्योरी है, न्यूटन लॉ है, इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर। ये एक सिंपल सी इक्वेशन है, उसको आगे रिफाइन कर करके, इतने प्रैक्टिकल उसके ऊपर कर करके, दे हैव क्रिएटेड अ न्यूक्लियर वेपन। तो देखो, टीओसी की अगर हम बात करें ना, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन मतलब हम कंप्यूटेशन को समझना चाहते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम हमारा कैसे काम करता है। उसको समझने के लिए हम मैथमेटिकल मॉडल बनाएंगे, हम एक मैथमेटिकल एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल बनाएंगे, उसी को हम बोलते हैं क्या, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। और थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का जो तीन पिलर है, मतलब अगर आपको थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन समझना है तो मैं यहां पर तीन पिलर से स्टार्ट कर रहा हूं। वो तीन पिलर है लेग, लेग मतलब एल ई जी वाला लेग नहीं, एल ए जी। और ये एल ए जी का मतलब क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पे लैंग्वेज की, फिर हम बात करेंगे यहां पे ऑटोमेटा की, और फिर थर्ड हम यहां पे बात करेंगे ग्रामर की। अगर आपको ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए तो मतलब पूरे की पूरी टीओसी आपको क्लियर होगी। तो यहां पे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एल से, दैट इज लैंग्वेज। तो लैंग्वेज की कहानी स्टार्ट होती है द स्मॉलेस्ट यूनिट। लैंग्वेज तो देखो, आपने ऑब्वियसली लैंग्वेज सुनते ही सबसे पहले क्या आता है दिमाग में, हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, पंजाबी लैंग्वेज है। लेकिन हम लैंग्वेज पे बाद में पहुंचेंगे, ये तो स्टोरी का एंड है। स्टोरी का स्टार्ट क्या है, स्टोरी का स्टार्ट क्या है, सिंबल। Yes, that is the building block of the language. The smallest unit of the language is what? The symbol. अब symbol में क्या आते हैं? जैसे आपके A, B, C, D, ये सारे क्या हैं? Symbols हैं. 0, 1, 2, 3, ये सारे क्या हैं? आपके symbols हैं. तो ये सारे symbols जो हैं, वो आपके क्या बनाते हैं? एक building block है किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज की। तो सिंबल जो है, यही से आपकी कहानी स्टार्ट होती है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए जिस भी लैंग्वेज की आप बात कर रहे हो उसके अंदर कौन कौन से सिंबल्स जो है वो आते हैं। सिंबल्स के बाद हम बात करते हैं यहां पे अल्फाबेट की, अल्फाबेट जिसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। यस, अल्फाबेट सिग्मा से। ये आपको जो है नोटेशन सबसे ज्यादा टीओसी में देखेगी, दैट इज अ सिग्मा। अब अल्फाबेट क्या है? फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल। फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल का मतलब क्या है? देखो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं जितने भी वीडियोस लेके आ रहा हूं, इन वीडियोस में पैरेलली मैं आपको वो सारे पॉइंट्स बताऊंगा जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, इवन आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम्स में आपसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे अल्फाबेट। अल्फाबेट क्या है? फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स। यस, क्या ये इनफाइनाइट हो सकता है? नहीं, इट इज ऑलवेज अ फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स। जैसे मैंने आपको दे दिया सिग्मा इज इक्वल टू ए बी, मतलब अब सारे आपको वही पॉइंट्स लिखने हैं, सारे आपको वही वर्ड्स बनाने हैं जो ए और बी से मिलके बने हैं, और ये आपको हमेशा गिवन होगा, हमेशा अल्फाबेट आपको गिवन होगा। अदरवाइज ऑब्वियसली आप कोई भी सिंबल उठा सकते हैं, और अगर कोई भी सिंबल उठा सकते हैं तो आप कोई भी अल्फाबेट जो है बना सकते हैं। और अल्फाबेट के बाद अगर हम बात करें स्ट्रिंग की, क्योंकि नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है स्ट्रिंग का, अब स्ट्रिंग यहां पर क्या है? कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स, या आप क्या कह सकते हो, सीक्वेंस। बेटर वर्ड क्या है? सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट। जैसे सिग्मा अगर मैं आपको दे दूं, लेट्स से सिग्मा इज इक्वल टू ए बी, मतलब आपके पास अल्फाबेट दे दूं ए और बी, तो देखो कौन कौन सी स्ट्रिंग बन सकती है। स्ट्रिंग का मतलब क्या है? जैसे ए इटसेल्फ इज अ स्ट्रिंग, बी इटसेल्फ इज अ स्ट्रिंग, ए ए इज वन ऑफ द स्ट्रिंग, ए बी
बी ए बी बी, ये सारी क्या है, एक तरह से स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग को हम यहां पे प्रॉपर्टी है स्ट्रिंग की क्या, सबसे पहले हम बात करते हैं लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग का मतलब क्या है कि स्ट्रिंग के अंदर कितने वर्ड्स जो है वो आ सकते हैं, कितने सिंबल्स आ सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं बात करूं लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज टू, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अगर आपको बोल दूं लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज टू और अल्फाबेट हमारे ए बी, तो आप कौन कौन से बनाओगे उस स्ट्रिंग में, कौन कौन से होंगे आपके पास, हो सकते हैं ए ए ए बी बी ए बी बी, इस तरीके से आपके पास होंगे। लेट्स से लेंथ ऑफ थ्री, लेंथ ऑफ थ्री में आपके पास क्या हो सकते हैं, ए ए ए ए ए बी ए बी ए ए बी 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 ए ए बी ए बी 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 ए बी बी बी, मतलब ये आपके क्या हो सकते हैं पॉसिबल स्ट्रिंग्स जो है वो हो सकती हैं। अब स्ट्रिंग की लेंथ की अगर हम बात करें तो देखो लेंथ यहां पे कितनी है, टू भी है, लेंथ यहां पे थ्री भी है, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जो है वो आप यहां पे फाइंड आउट कर सकते हो। अब स्ट्रिंग का मतलब क्या है, एक तरह से जैसे अगर हम इंग्लिश वर्ड की बात करें तो देखो अल्फाबेट इंग्लिश में ऑब्वियसली सिंबल्स कौन कौन सी है, ए टू जेड हमारे पास सिंबल्स है। अब अल्फाबेट का मतलब क्या है, आपको लेट्स सपोज दे दें कि आपको सारे के सारे स्ट्रिंग्स लिखनी है, सारे के सारे आपको सेंटेंस लिखने हैं, लेकिन उस सेंटेंसेस में आपको सिर्फ ए बी सी और डी को ही यूज करना है, मतलब मैंने अल्फाबेट आपको फिक्स कर दिया कि इन्हीं चारों से मिलके बने होने चाहिए। अब आप क्या लिखोगे, सेंटेंस लिखने की कोशिश करोगे या वर्ड्स लिखने की कोशिश करोगे, तो वो वर्ड्स या सेंटेंसेस आपके क्या कह सकते हो, आप एक तरह से स्ट्रिंग है, जो कि क्या है, एक तरह से सीक्वेंस है किसका, जितने भी सिंबल जितने भी अल्फाबेट आपको दिए हैं उनका एक तरह से सीक्वेंस है। अब सबसे पहले सिंबल हो गया अल्फाबेट, फिर आगे हम स्ट्रिंग पे, स्ट्रिंग के बाद हम आते हैं लैंग्वेज पे। लैंग्वेज का मतलब क्या है, दैट इज द बिगेस्ट टर्म, लैंग्वेज का मतलब क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल स्ट्रिंग, कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स। जैसे इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, अब इंग्लिश लैंग्वेज में आप कह सकते हो कलेक्शन ऑफ ऑल स्ट्रिंग, कलेक्शन ऑफ ऑल स्ट्रिंग का मतलब सारे के सारे सेंटेंसेस, सारे के सारे वर्ड्स की कलेक्शन को आप क्या बोल सकते हो, एक तरह से लैंग्वेज। और अगर हम प्रोग्रामिंग वे से बात करें तो जैसे सी प्रोग्राम की बात करें तो सी प्रोग्राम का मतलब क्या है, अगर आपको क्वेश्चन आता है राइट अ सी प्रोग्राम, अब राइट अ सी प्रोग्राम एक्चुअल में क्या है, एक तरह से स्ट्रिंग है। आप एक प्रोग्राम लिख रहे हो, लेट्स से सम ऑफ टू नंबर्स, अब सम ऑफ टू नंबर्स का अगर आप प्रोग्राम लिख रहे हो वो मतलब आप क्या लिख रहे हो, एक स्ट्रिंग लिख रहे हो, एक तरह से आप इंग्लिश में कोई पैराग्राफ लिख रहे हो। लेकिन लैंग्वेज का मतलब क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल सी प्रोग्राम, मतलब जितने भी सी प्रोग्राम एग्जिस्ट करते हैं वैलिड सी प्रोग्राम्स, उनकी कलेक्शन को आप क्या बोल सकते हो, लैंग्वेज बोल सकते हो। तो अब हम एक एग्जांपल से यहां पे स्टार्ट करते हैं पूरे के पूरे पॉइंट। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है यहां पे, सबसे पहले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है सिग्मा, सिग्मा हमारे पास क्या है, सिग्मा है ए एंड बी, मतलब हमारे पास दो ही अल्फाबेट हैं ए और बी। तो देखो अब अगर आपको यहां पे लैंग्वेज पूछा जाए, अब लैंग्वेज क्या है, कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग। अब लेट्स से लेकिन लैंग्वेज मैं आपको बोल दूं कि यू हैव टू राइट डाउन अ लैंग्वेज एल वन, एंड लैंग्वेज एल वन इज व्हाट, कलेक्शन ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ थ्री, कलेक्शन ऑफ ऑल द स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ थ्री। अब देखो यहां पे हमने क्या लिखा, ए ए ए, अब ये ए ए क्या है, वन ऑफ द स्ट्रिंग है। अब ए बी ए क्या है, वन ऑफ द स्ट्रिंग है, ये भी एक स्ट्रिंग है, ये भी एक स्ट्रिंग है, ये सारी क्या है, एक एक स्ट्रिंग। अब इनके कलेक्शन को, पूरी की पूरी कलेक्शन को मैं क्या बोल सकता हूं, ये पूरी की पूरी कलेक्शन क्या है, एक तरह से लैंग्वेज है। अब अगर आपको लैंग्वेज में सारी की सारी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ थ्री चाहिए तो आप इसको बोल सकते हो क्या, ये है लैंग्वेज एल वन, क्योंकि ये वन ए ए ए क्या है, वन ऑफ द स्ट्रिंग, वन ऑफ द पॉसिबल स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग क्या है, सीक्वेंस ऑफ नंबर, सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट। तो ए ए ए ए बी बी, ये सारी की सारी क्या है, आपको एक लैंग्वेज है जिसकी लेंथ कितनी है, थ्री। अब ऐसी लैंग्वेज जो है जरूरी नहीं है कि ये फाइनाइट होगी या इनफाइनाइट। अब देखो लेंथ ऑफ थ्री में कितनी आई, इस लैंग्वेज में कितनी स्ट्रिंग आई आपकी, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स आई इस लैंग्वेज में L1 में। अब इसको क्या बोल सकते हो, फाइनाइट या इनफाइनाइट, ऑब्वियसली क्या है, फाइनाइट लैंग्वेज है। लेकिन जो लैंग्वेज है इट कैन बी इनफाइनाइट ऑल्सो, कैसे इनफाइनाइट कैसे हो सकती है, लेट्स सपोज कि अगर हम बोल दें यू हैव टू राइट अ लैंग्वेज इन विच ऑल द स्ट्रिंग्स शुड स्टार्ट फ्रॉम या स्टार्ट विद ए एंड विद ए, इस तरीके से आपको बोल दिया जाए
कि आपको वो लैंग्वेज लिखनी है, उस लैंग्वेज के अंदर सारी के सारी स्ट्रिंग्स जो है वो स्टार्ट विद ए होनी चाहिए, एंड विद ए होनी चाहिए। अब स्टार्ट विद ए और एंड विद ए का मतलब क्या, अल्फाबेट आपके ए और बी है, अल्फाबेट आपके फिक्स कर दिए ए और बी, आप कोई भी ले सकते हो, ए बी सी भी ले सकते हो, लेकिन ए और बी से भी आपका काम हो जाएगा। तो देखो, स्टार्ट विद ए एंड विद ए वन ऑफ द पॉसिबल, ये दूसरी क्या हो सकती है, स्टार्ट विद ए एंड विद ए, तो ये देखो ये भी स्टार्ट विद ए है एंड विद ए है, और क्या हो सकती है, ए ए ए ए। तो देखो इस तरीके से आपकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ यहां पे स्ट्रिंग्स पॉसिबल है। और इसके अलावा हमारे पास पॉसिबल है, लेट्स सपोज ए बी ए, ये भी वन ऑफ द पॉसिबल स्ट्रिंग है, देखो स्टार्टिंग विद ए है एंडिंग विद ए है। इसके अलावा हमारे पास ए बी बी ए, ए बी 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 ए, तो देखो ये सारी जो है वो इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स हैं, और ऑब्वियसली इनफाइनाइट बन रही है तो मेरी जो लैंग्वेज है वो भी क्या बनेगी, इनफाइनाइट बनेगी। तो अगर आपको क्वेश्चन में आ रहा है कि लैंग्वेज शुड बी फाइनाइट, तो आप कह सकते हो जैसे ये एग्जांपल है, दैट इज स्ट्रिंग ऑल द स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 3, ऑल द स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2, ऑल द स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 1, इवन ऑल द स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 0, लेंथ 0 भी हो सकती है। लेंथ 0 का मतलब है कि कोई भी ऑप्शन यहां पे नहीं है, मतलब कोई ना तो ए होना चाहिए ना बी होना चाहिए, जिसको आप क्या ले सकते हो, सिग्मा पावर 0। अब सिग्मा पावर 0 मतलब कि कोई भी यहां पे स्ट्रिंग में नहीं आना चाहिए, तो यानी उसको हम क्या बोलते हैं, एप्साइलम यहां पे बोलते हैं। और ये सारे पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज से रिलेटेड, क्योंकि लैंग्वेज के ऊपर आपसे पूछ सकते हैं कि लैंग्वेज कैन बी फाइनाइट, इट कैन बी इनफाइनाइट, तो यस ये फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है। इसके अलावा आप कोई भी एग्जांपल यहां पे ले सकते हो, लाइक स्ट्रिंग ऑफ ऑल द पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ए, स्टार्टिंग विद ओनली ए, स्टार्टिंग विद ए एंडिंग विद बी, ये सारी जो है वो इनफाइनाइट लैंग्वेज के एग्जांपल है। और अगर आपको फिक्स कर दे कि लेंथ 2 होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, आप कह सकते हो फाइनाइट लैंग्वेज के एग्जाम्पल्स है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक पॉइंट्स ऑफ लैंग्वेज। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ऑटोमेटा से रिलेटेड, और ये सारी वीडियोस जो है वो लिंक्ड है, आपको एक एक करके जो है वो चेक करनी है, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स अगर आप नहीं चेक करोगे, ये सारे पॉइंट्स अगर आप नहीं नोट डाउन करोगे, तो टीओसी इस तरीके से आपको समझ नहीं आएगी। थैंक यू।